ये कर्तव्य भारत के प्रति है। तो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के हम जैसे कार्यकर्ता भी जब भारत के प्रति काम करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो हम तो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और उसका लाभ पूरे देश की जनता उठा रही है। और देश की जनता को अब सिर्फ मोदी जी चाहिए तो अब की बार 400 पर, नो डाउट, एकदम डाउट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है मैम आपने। मैम अब हम दूसरे टॉपिक की जानेब बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक बहुत आपको पता है अंजू जो है वो इंडिया वापस आ गई है, और अब एक और खबर उसी रिलेटेड हम देखते हैं कि कराची की हमारी एक लड़की है जवेरिया खानम नाम है उनका, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आई है, और क्या कहना चाहेंगी इस केस को देखते हुए और Pakistan women arrive in India to marry Kolkata. Press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िया लाई खान जी का बड़ा ही मजेदार इंटरव्यू। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही बैठी हुई हूँ। अच्छा। मैं जहाँ से बैठ करके कन्फ्रंटेशन आपसे कर रही हूँ, अभी इंटरव्यू कर रही हूँ, ये कोलकाता ही है। मैं चित्रंजन एवेन्यू से बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा लीगल चैम्बर यहाँ पर भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ पर भी है, बॉम्बे में भी है। तो अभी फिलहाल मैं कोलकाता में ही बैठी हुई हूँ, जहाँ के न्यूज के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज स्टार्ट होने से पहले मैं बंगाली में ही बात कर रही थी, जो आप आंखें फाड़ करके सुन रही थी। तो अभी खूब भालो बांग्ला जानी, आई हैव कमांड इन सो मेनी लैंग्वेजेस, लेकिन साथ साथ बंगाली पर भी मेरा बहुत अच्छा खासा पकड़ और बहुत अच्छा खासा कमांड है। मैं स्पीचेस भी यहाँ पर बंगाली में देती हूँ, और काफी इफर्ट से मैंने बंगाली लैंग्वेज सीखा है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बंगाली नहीं था। मैं तो दिल्ली की थी, लेकिन जब इतने सालों से मैं बंगाल में रह रही तो मुझे मतलब बंगाली बहुत अच्छा लैंग्वेज लगा, और मैंने इच्छा अपनी ख्वाहिश से बंगाली सीखी है। मैं बंगाल के बारे में बता सकती हूँ कि, और बहुत खुल करके बता सकती हूँ, आप लोग तो नहीं बताते हैं कुछ भी, तो मैं लेकिन खुल करके बता सकती हूँ कि बंगाल में सिर्फ एक जावेरिया पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि आई है। बंगाल में बहुत सारे पेशावरी और पाकिस्तानी रहते हैं, कुछ घुसपैठिया भी रहते हैं, कुछ इधर उधर करके अपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ करके भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो अपनी आइडेंटिफिकेशन को चेंज करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी और पेशावरी और कराची और लाहौर के लोग, कुछ लोग तो सीना चौड़ा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत से लोगों को सुरंगों से और तारों से बुलवा करके उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी आईडी कार्ड बना करके भी यहाँ पर हमारे कलेजे पर दाल मुंगवा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कोलकाता में एक मछवा फ्रूट मार्केट है, उसमें भी जो बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके रिलेटिव्स का पाकिस्तान से आना जाना, लेकिन लीगल तरीके से आते जाते हैं, आना जाना लगा रहता है मछवा फ्रूट मार्केट में। उसके बाद मैं बताऊंगी कि पार्क सर्कस में, कोलकाता के पार्क सर्कस में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, उसमें कुछ इलीगल भी रहते हैं, कुछ घुसपैठिया भी रहते हैं, और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी रहते हैं, पर उस डॉक्यूमेंट्स में कोलकाता में रहने के लिए छेड़खानी करते रहते हैं। मैं उसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि तोपसिया में, कोलकाता के तोपसिया में बहुत सारे पेशावरी रहते हैं, बहुत सारे पेशावरी, यहाँ तक के पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल एक ये इस स्टेट का नाम है और कोलकाता इस स्टेट के अंदर एक सिटी है, तो कोलकाता में कई ऐसे नेता मंत्री भी हैं जो हैं पेशावरी, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपने डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ करके नेता बन करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो कोलकाता में पाकिस्तानियों का आना, बांग्लादेशियों का घुसना और यहाँ पर रहना, और डॉक्यूमेंट्स में मतलब घोल घपला कर करके यहाँ पर टिक जाना, बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पर बहुत मामूली बात है। और हम जैसे लोग जब आवाज उठाते हैं तो फिर हम बुरे हो जाते हैं। अब आती हूँ मैं जावेरिया की बात पर। तो कोलकाता बेस्ड जितने भी वेस्ट बंगाल बेस्ड, पूरे वेस्ट बंगाल को ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोलकाता इज जस्ट अ सिटी, और राइट नाउ आई एम सिटिंग इन कोलकाता सिटी, ठीक है, चित्रंजन एवेन्यू
जो कोलकाता के अंदर एक रोड का नाम है वहां पर। तो कोलकाता में जितने भी कोलकाता बेस्ड और वेस्ट बंगाल बेस्ड मुस्लिम्स हैं और खास करके कोलकाता बेस्ड मुस्लिम्स, उनको भारत की और भारत की मुसलमान लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। या तो वो नेपाली लड़की से शादी करते हैं, या तो वो बंगाली से शादी कर लेते हैं, और या तो फिर वो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से और बहरीन से और ईरान से बुला करके लड़कियों से शादी करते हैं। मुसलमान लड़कियां, बंगाल की मुसलमान लड़कियां कोलकाता के मुसलमान लड़कों को, हिंदी भाषा भाषी मुसलमान लड़कों को, उर्दू भाषा मुसलमान लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आपके पाकिस्तान से आई हुई जावेरिया की जो इज्जत उसको मिली है और कोलकाता के परिवार ने दिया है, वो इज्जत के लिए कोलकाता की मुसलमान लड़कियां सपना देखती हैं। चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो जितनी भी खूबसूरत हो, चाहे वो जितनी भी सलीकेशवार हो, चाहे वो जितने भी बड़े फैमिली से आ रही हो, अगर इन एनी केस कोलकाता बेस्ड मुसलमान लड़के अगर कोलकाता की मुसलमान लड़कियों से शादी कर लेते हैं तो उसकी कमाई पर पलना उनको बहुत अच्छा लगता है, उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाना उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको उसको टॉर्चर करना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनको प्रोस्टिट्यूट बोल करके पुकारना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कोलकाता और वेस्ट बंगाल में मुसलमान लड़कियों का वकार, मुसलमान लड़कियों की औकात कोलकाता बेस्ड मुसलमान उर्दू भाषा भाषी लड़कों के नजर में एक प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं तो अबाक हो गई कल न्यूज में देख करके कि इतनी इज्जत पाकिस्तान की लड़कियों को। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा, काफी चैनल्स पे मैंने कहा कि हाँ, नेपाली लड़कियों की इज्जत इनकी नजरों में है, मुसलमान कोलकाता के मुसलमान लड़कों में की नजर में, उसके बाद फिर बांग्लादेशी मुसलमान लड़कियों की इज्जत है, ईरान की मुसलमान लड़कियों की इज्जत है, वो और कहीं कहीं से आ जाए तो उसकी इज्जत है। लेकिन जो कोलकाता में मुसलमान लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, जो अपने अपने सक्सेस को अचीव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या बहुत गरीब है, पर ऐसी हिम्मत किसी भी कोलकाता मुसलमान लड़के को नहीं होती है कि वो 5-5 साल किसी के साथ अफेयर करे और उससे शादी कर ले। अगर 5 साल कोलकाता की मुसलमान लड़कियां कोलकाता के मुसलमान उर्दू भाषा लड़के के साथ अफेयर कर लेती है तो उसके उसके नाम के पिशानी पर एक टैग मुसलमान लड़के लगा देते हैं कि इसको तो मैंने 5 साल लिया है, ये तो बहुत आवारा लड़की है, ये तो बहुत बच्चलन मुसलमान लड़की है, इसको तो धंधे पे बैठ जाना चाहिए। और ये चीजें मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे केसेस देखती हूँ कि अफेयर में 5 साल रखने के बाद कई बच्चे अबॉर्शन करवा देते हैं मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों के और फिर उसको धोखा दे देते हैं। ऐसी कई फाइलें मैं अभी खोल करके दिखा सकती हूँ अपने चैम्बर से। तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जावेरिया जो है वो आ गई है और 45 दिन का उसको टाइम मिला है, 5 साल के बाद वीजा लगा है। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान की कराची की एक लड़की के लिए मुसलमान लड़के ने 5 साल इंतजार किया है और उसके बाद फिर ढोल बाजा ताशा के साथ अटारी बॉर्डर से उसको रिसीव किया है। हाँ, नेपाल से भी अगर लड़की आती तो उसको ऐसे ही इज्जत दे करके मुसलमान कोलकाता के लड़के रिसीव करते, अगर ईरान से भी आती तो ऐसे ही रिसीव करते, पर कोलकाता की रहने वाली गरीब बेटियां, कोलकाता की रहने वाली बहुत शिक्षित बेटियां, इनकी नजर में एक प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो एनआरसी और सीए में धरना देते हैं, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के फांसी पर शर्मिंदा होते हैं, ये वही लोग हैं जो नासिर खान खादर खान जैसे बलात्कारी के वलीमे में जा करके बिरयानी खाते हैं, ये वही लोग हैं जो हमास के समर्थकों के साथ रैली और मिचल मीटिंग निकालते हैं। तो ये कभी भी संविधान को मानने वाली लड़कियां, बहुत हाई क्वालिफाइड लड़कियां ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अच्छा ही है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, जावेरिया आए, मावेरिया आए, लावेरिया आए, ढावेरिया आए, सब आ जाए। ऐसे भी पाकिस्तान में बहु बेटियों की इज्जत कहाँ होती है, ना वहाँ शिक्षा है, ना वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, ना वहां पर तौर तरीका है, ना वहां पर तहजीब और तमीज है, ना वहां पर एडुकेशन है, और ना और फाकाकशी भी है वहां पर। तो ऐसे हालात में अगर कोलकाता बेस्ड मुसलमान लड़के उठा उठा करके ले आ रहे हैं, रघुपुरा के हिंदू लड़के उठा उठा करके ले आ रहे हैं, तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, ये तो अच्छी बात है। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि बच गई बेचारी,
वहां पर शादी करती तो हलाला वलाला सब कुछ हो जाता, चार शादियां वाले शौहर मिलते, एटलीस्ट यहाँ पर इज्जत से रहेगी। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? एंड पर मैं मैसेज देना चाहूंगी कि जावेरिया, सीमा गुलाम हैदर सबने पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के लिए दरवाजे खोल ही दिए हैं, तो आप लोग सब स्पेशली कोलकाता के लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं, तो पटाइए आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पटाना स्टार्ट कीजिए और आना स्टार्ट कीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू और रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारा मजा आया होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बात की पाकिस्तान से आई लड़की की जिसको कोलकाता के लड़के से प्यार हो गया, अब सीमा के बाद अंजू गई थी और अब अंजू के बाद ये लड़की भारत आ गई है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं ताकि हम आपके विचारों को जान सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।